मुझे बहुत खुशी है कि आपके इस ऑर्गेनाइजेशन या अलुमनाई मैं इसको कहूँ, ये जो फाजल अलूम इस्लामी फाजलीन है अलूम इस्लाम जी अलुमनाई एसोसिएशन, हकीकत यही है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कयाम के तीन पर्पसेस, तीन रीजंस हैं या तीन मिशंस हैं। नंबर वन पे ये है कि जिस पर्पस के लिए किसी बच्चे को आपने दाखला दिया है उसको वो इल्म असाज़ इकराम के ज़रिए उन तलबा तक पहुँचाया जाए। नॉलेज की जो क्रिएशन है और नॉलेज का जो ट्रांसफ़र है वो यूनिवर्सिटीज़ में होता है या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ रिसर्च है, लेकिन जिस वक्त यूनिवर्सिटीज़ या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, जो सबसे पहला पर्पज़ है नॉलेज की क्रिएशन और नॉलेज का ट्रांसफ़र उस रेलेवेंट शोबा में, ये पहला उसका पर्पज़ है किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नंबर टू, आपने नॉलेज ट्रांसफ़र किया, नॉलेज क्रिएट किया, नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन बच्चों को जिस वक्त ट्रांसफ़र हुआ है उन बच्चों के पास ये सलाहियत आ गई है कि वो उस इल्म को अप्लाई कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दूसरा उसका पर्पस है। सिर्फ नॉलेज ट्रांसफ़र करना काफ़ी नहीं है, बच्चों में उसकी महारत का आना भी जो है ना वो ज़रूरी है। और तीसरा जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है या पर्पस है वो किरदार साजी है। किसी भी तालीमी इदारे में आपने बच्चे को पीएचडी की डिग्री दी, एमफिल की डिग्री दी या बैचलर की डिग्री दी, तो उसके साथ जो तीसरा सबसे अहम मेरे नज़दीक जो एस्पेक्ट है वो उसका किरदार साजी है, वैल्यूज़ में इनरिच करना, इनकल्केट करना, वो मॉरल वैल्यूज़ हों, वो करेक्टर हों, वो एथिक्स हो, ये तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट पिलर है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ, एक बच्चा कंप्यूटर साइंस का है, जो आप भी मेरे ख्याल में हर शोबे में आप हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, कंप्यूटर का इल्म अगर किसी बच्चे के पास है तो उसने 90% नंबर ले लिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल इल्म उसके पास आ गया कि ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये कीबोर्ड है, ये सारा इल्म उसके पास आ गया, लेकिन क्या वो इस कंप्यूटर को इस्तेमाल भी करना उसको आता है या नहीं आता, ये उसकी महारत है। जिस पर्पज़ के लिए वो कंप्यूटर बनाया गया है वो बच्चा उसको इस्तेमाल भी कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर उसमें उस बच्चे के 80% नंबर हैं तो उस कंप्यूटर के सब्जेक्ट में 80 × 90 / 2 द एवरेज इज 85%। उस बच्चे के उस कंप्यूटर के सब्जेक्ट में 85% मार्क्स आ गए। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, ये जो एथिक्स है, जो वैल्यूज हैं, ये इतनी अहम है, इसका एवरेज नहीं लिया जाता, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर किसी बच्चे के 95% मार्क्स हैं, 90% मार्क्स हैं, CGPA 4/4 है और वो एथिक्स में पोअर है, वो अपने अखलाकियात में, अपने किरदार में पोअर है, दैट 95% मल्टीप्लाइड विद 0 इज इक्वल टू 0, तो उसके जो ग्रेड्स हैं वो किसी काम के नहीं। इसी तरीके से जब एक बच्चे से हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, जिस वक्त यूनिवर्सिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की एस्टेब्लिशमेंट का जो पर्पज़ है, अगर हम उसको इन तीन चीज़ों से रिलेट करते हैं तो वो इदारा, वो डिपार्टमेंट, वो इंस्टीट्यूट या सेंटर और उनके असाज़ा इकराम, उनके ऊपर जो रिस्पांसिबिलिटी है वो उससे कहीं ज़्यादा है। एक उस्ताद जिस वक़्त किसी, चाहे वो कॉलेज का हो, किसी स्कूल का हो या किसी यूनिवर्सिटी का हो, उससे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि उसने बुनियादी तौर पर किरदार साजी करनी है। किरदार साजी उस टीचर के ज़रिए होनी है जो क्लासरूम में
बच्चे के सामने खड़ा होता है अपनी पर्सनैलिटी के जरिए थ्रू इन द डिपार्टमेंट, बच्चा उसे देखता है कि ये मेरा उस्ताद किस किस्म का है, कैसा ये ड्रेस पहनता है, कैसी ये गुफ्तगू करता है, अपने अखलाक में ये कैसा है, तो ये सारी चीज़ें बगैर बताए बच्चा उससे वो कंसीव कर रहा होता है, उसे हासिल कर रहा होता है। तो इसलिए असाज़ा इकराम का जो रोल है, हम तालिबे इल्मों के बाद नौजवान नस्ल के बाद के पास बाद में आएंगे, उससे कहीं पहले जो है ना उस्ताद आता है। तो उस्ताद के लिए जो रिक्वायरमेंट, ये एक जॉब नहीं है कि एक बंदे को नौकरी नहीं मिल रही तो वो जाए यूनिवर्सिटी में अपीयर हो, वो कॉलेज के किसी जॉब में अपीयर हो और वो जॉब हासिल कर ले और वो पढ़ाना शुरू कर ले। ये जॉब नहीं है, ये एक अलहदा शोबा है जिसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट। हर बंदा उस्ताद नहीं बन सकता, हर बंदा फैकल्टी मेंबर नहीं बन सकता, उनको हर लिहाज से उस उस्ताद को रोल मॉडल होना चाहिए, नॉलेज के एतबार से, स्किल के हिसाब से, एथिक्स के हवाले से, किरदार साजी के हवाले से, जो उसकी उनकी वैल्यूज हैं उस सोसाइटी में उसके हवाले से, उससे उसको हर लिहाज से रोल मॉडल होना चाहिए। वो किसी जगह पे भी एक इंसान जरूर है, वो नो डाउट वो एक उस्ताद इंसान है, लेकिन उसको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि मैं एक फ्यूचर जनरेशन को तैयार कर रहा हूँ और मेरा ये जो बच्चा है, मेरी ये कौम की जो नस्ल है, वो हर लिहाज से कंप्रिहेंसिवली वो फुली प्रिपेयर्ड। मैंने आपको बताया कि मेरे पास अगर CGPA 4x4 वाला आएगा लेकिन वो अपने वैल्यूज में, अपने एथिक्स में रिच नहीं है, तो मैं उसको कभी भी नहीं रखूं एज एन एम्प्लॉयर, क्योंकि मेरे नज़दीक ये बहुत अहम। बहुत मौके पे ऐसा हुआ है, हमने महसूस किया कि हमारा ये उस्ताद जो इस सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर हो रहा है, उसकी सॉफ्ट जो स्किल्स हैं वो उसमें वो ठीक नहीं है, वी डिडंट सेलेक्ट हर आदमी। तो आपने जिस मौजू को आज सेलेक्ट किया है, यकीनी तौर पर उलमा कराम यहाँ पे बहुत बड़े नाम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, वो इसके ऊपर खसूसी तौर पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा ख्याल है कि एज एन चीफ एग्जेक्टिव, ये उसके उस्ताद के बाद एक वाइस चांसलर आता है जो एक रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी इंस्टीट्यूशन को। पंजाब यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है, UET लाहौर या कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, जिस वक्त आप एज ए चीफ एग्जेक्टिव, एज ए वाइस चांसलर उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं बनिस्बत एक उस्ताद के, क्योंकि आप उस्ताद को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप तलबा को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉइज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट आपने कुरान करीम के हवाले से, फिर कुरान करीम तो मुकम्मल तौर पर हिदायतनामा है, हर तरह से परफेक्ट है, कोई उसका एक लफ्ज ऐसे नहीं लिखा गया। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि ये एक हिदायतनामा है, ये बच्चों के लिए भी है, ये जवानों के लिए भी है, ये बूढ़ों के लिए भी है, ये मुसलमान के लिए भी है, और एक काफिर अगर आप देखें उनके लिए भी है, ये एक हिदायतनामा है। तो आपसे ये दरख्वास्त होगी, जो इस हाल में खसूसी तौर पर लोग बैठे हैं या बच्चियां बैठी हैं, आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, नो डाउट मैंने असाज़ा इकराम का आपको एग्जांपल दी, मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया, एक यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर को मैंने आपके हवाले आपसे गुफ्तगू की, लेकिन आप लोग जो बैठे हैं, जिस वक्त इमीडिएटली मैं देखता हूँ 99% लोग जो इस हाल में बैठे हैं वो एक शख्सियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी शक्ल से ये नजर आ रहा है कि ये एक दाई है और एक खास मिशन के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और ये एक फॉलोअर है। लेकिन जिस वक्त जो सोसाइटी की या मेरे जैसे आम आदमी आपसे जब गुफ्तगू करता है, आपसे गुफ्तगू करने से पहले जब आपको देखता है, आपको मिलता है, तो आपसे इमीडिएटली
इवन गुफ्तगू करने से भी पहले आपसे कुछ उम्मीदें जो है ना एक्सपेक्टेशन उनकी वाबस्ता हो जाती है। अगर जिस वक्त ऐसी सिचुएशन डिवेलप होती है कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, फिर तो यकीनी तौर पर सोसाइटी का मेंबर या एक आम आदमी वो डिस्करेज हो जाता है और डिफरेंट गुफ्तगू करता है और आपके सामने है ये सारी चीज। इसलिए आप लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप लोगों से जो उम्मीदें हैं, वो हर लिहाज से आप सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। आप जो बच्चियां बैठी हैं वो हर लिहाज से जो मुसलमान खवातीन थी उनको रिप्रेजेंट कर रही हो। तो जिस वक्त आप इस शेप में आते हुए लोगों की उम्मीदों को डिस्करेज करते हैं, ना उम्मीद करते हैं, डेविएट करते हैं उन चीजों से जो एक आदमी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, तो आप यकीन करें कि दिल दुखता है और बड़ी परेशानी होती है। और इसकी मिसाल इस वक्त मैं समझता हूं, मैं माफी के साथ जितना आप माफी दफा कहें मैं उतना माफी मांगने के लिए तैयार हूं, जितना हमने इस्लाम को तकलीफ दी है गोरों ने नॉन मुस्लिम ने नहीं दी, या जो इस्लाम के ऊपर बिलीव नहीं करते उन्होंने नहीं दी, जितना हमने दी। हम नाकाम हुए हमने, क्योंकि जो हमें पर्पस, जिस पर्पस के लिए हमने अपने आप को प्रेजेंट किया, अपनी शख्सियत को डेवलप किया, तालीम हासिल की, कुरान करीम के दाई हुए, कुरान मजीद को पढ़ा, कुरान मजीद को समझा, लेकिन उसके बाद उस इल्म से डेविएट किया, उसकी इंप्लीमेंटेशन से डेविएट किया, तो आप देखें कि सोसाइटी में हमारे लोगों का क्या मकाम है, लोग हमें कैसे देखते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, ये हमें इस वक्त ये जरूर देखना पड़ेगा। अगर हम ठीक हैं तो सुभान अल्लाह, इससे और अच्छी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिस रिलीजन को, जिस दीन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे इससे और ज्यादा क्या खुशी होगी कि मेरे से लोग मुतमैन। लेकिन अगर कोई रीजन है, अगर आप इसमें अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, मैं यकीन करें हो नहीं सकता कि अल्लाह का निजाम आपको, अल्लाह की जो जो आपकी रूह है, आपको सुकून से बैठने दे कि आप इस्लाम के दाई हैं और उससे डेविएट करके अपने आप को फिर मुतमैन करने की कोशिश करते हैं। ये हो नहीं सकता कि आप मुतमैन रहें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आप बेचैन होंगे, क्योंकि आपने नेचुरल सिस्टम को डेविएट किया। इससे बढ़ के आपने उस जिसका दावा करते हैं आप मिशनरी हैं, लेकिन जिस वक्त आप डेविएट करते हैं फिर तो आप कोई ये अयोटा मुझे डाउट है कि आप सुकून से हों, नहीं, हो नहीं सकता। तो इसलिए मेरी एक तो आप खसूसी तौर पर मेरे जो राइट और लेफ्ट बैठे हैं आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जो स्टेज पे मेरे असाज़े कराम बैठे हैं या फ्रंट लाइन पे बैठे हैं उनके ऊपर कहीं ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो उस्ताद भी हैं, नबी करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत भी रखते हैं, अपने आप को वो कोशिश भी करते हैं कि भाई हम उनसे मुंसलिक हैं, हमारा निस्बत उनसे है। लेकिन जिस वक्त हम इससे डेविएट करेंगे, यकीन करें हो सकता है कोई इंडिविजुअल सोसाइटी का मेंबर आपके एहतराम में, एक इंसानियत के एहतराम में आपसे गुफ्तगू ना करे, आपको सामने ना कहे, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा, जो इस वक्त सोसाइटी से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो उसका रिजल्ट, ये कैसे मुमकिन है कि एक मुसलमान, एक इतना बड़ा शख्सियत बात करे और सोसाइटी का मेंबर उसके ऊपर इतबार ना करे? ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि आपको चैलेंजेस पेश आ जाएं, ये भी बहुत मुमकिन है वक्ती तौर पर आपको किसी शोबे में, किसी एरिया में नाकामी हो जाए, लेकिन अल्लाह की सुन्नत में ऐसा नहीं है कि अल्लाह का दाई हो, अल्लाह के सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हो और वो इस दुनिया के सिस्टम में बेइज्जत हो, ये मुमकिन नहीं है, ये
ये मुमकिन नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे हमारे जो काम है वो इस नेचर के हैं, तो जिसकी वजह से हमें सोसाइटी में जो है ना वो इज्जत वो मकाम हासिल नहीं हो पा रहा, लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो उनकी क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज्यादा है। असाज़ा इकराम को देख लें, चाहे वो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। तो मैं इसको कंक्लूड ऐसे करता हूँ, मेरी आपसे दरखास्त है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने अपने आप को से शुरू किया, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है उन असाज़ा से भी ज्यादा है। मैं सबको रिप्रेजेंट करता हूं, कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि इस्लाम के अंदर इन टोटो आओ, हिस्से बकरे करके ना आओ। जो आपको चीज पसंद हो उसके ऊपर तो मैं अमल करता हूं, जो चीज मुझे ना पसंद है मैं कहता हूं कि नहीं, ये उसके ऊपर आंखें बंद कर लो। ये ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। और जो हमारा रोल है किरदार साजी में, असाज़ा इकराम का या मेरा अपना एज ए वाइस चांसलर या इस इंस्टीट्यूशन का, अगर ये प्राइम पर्पस है कि किसी, ये बाद में आता है कि एक बच्चे को नौ बच्चे बच्ची को नौकरी मिली है या नहीं मिली, लेकिन उससे पहले जो पर्पस है कि एक यूनिवर्सिटी ने, एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने क्या एक सिविलाइज सिटीजन शहरी सोसाइटी को दिया है या नहीं दिया, सबसे पहला मका पोजिशन ये है, सबसे पहला पर्पस ये है। उसके बाद अगर कोई काबिल है किसी जगह पे गुंजाइश है तो यकीनी तौर पर उसको उसकी प्लेसिंग हो जाती है। लेकिन आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी तंजीम का, जिन्होंने इस अहम मौजू के ऊपर, अल्लाह करे ये आज आपकी मजलिस जो है, आपकी पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारी सिमती चेंज कर, हमारी डायरेक्शन चेंज कर, सोसाइटी की, यूनिवर्सिटी के तलबा की, यूनिवर्सिटी के असाज़ा की, जो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं ज्यादा हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल पे, यानी इस वक्त जो जो तफरके हैं, जहां पे अल्लाह सुबहाना व तआला फरमाते हैं वातासमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक, हम अल्लाह की आयत का भी डिनाई कर देते हैं, हम खुद तफरको में पड़ जाते हैं, ये फलां साइड पे है, ये फलां साइड पे है, इसकी गुंजाइश नहीं है। बाकी अल्लाह सुबहानहू ताला ने ऑटोनॉमी आपको दी है, आपकी मर्जी है, फालहामहा फुजूरहा व तक्वा कदफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन अल्लाह सुबहानहू ताला ने आपको इल्हाम कर दिया कि चीज ठीक क्या है और गलत क्या है, आप जितना मर्जी एक वो कर लें, लेकिन सबसे खुशकिस्मत तरीन कामयाब तरीन इंसान वो है जिसने अपने आप को इस के साथ, इस ग्रेट या अल्लाह सुबहाना व तआला के दीन के साथ अपने आप को मुंसलिक किया, नुस्बत जोड़ी और उसके ऊपर अमल किया, वो खुशकिस्मत है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व तआला उससे ही राजी है। आपने अगर अपने तौर पर इसको अमेंड करने की कोशिश की तो उसको अल्लाह सुबहाना व तआला को कदर कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के नजदीक सिर्फ दीन इस्लाम जो है वही इन्ना दीना इंदल्लाह है इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम ही है। इस्लाम सिर्फ नमाज रोजो ज़कात हज का सिर्फ नाम नहीं, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आप में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे, और अगर आप हक पर होते हुए और किसी से बदला लेने की सलाहियत रखते हैं और आप उसको माफ कर देते हैं, तो आप सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मुसलमान को बशारत दे दो कि जन्नत के दरमियान में मैं इसे गाड़ दूंगा। हम इस वक्त कोशिश करते हैं, मेरे साथ इसने ऐसे किया है, मैं देखता हूं इसका बदला मैं कैसे लेता हूं, मौका तो मुझे मिले। आप सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कता तालुकी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, हम रिश्तेदारों के साथ जिनके साथ हमारी वाकफियत है, जिनको हम जानते हैं, हम कहते हैं कि नहीं मेरे साथ इसने ऐसा किया, कोशिश करने के बावजूद, लोग दरमियान में आने के बावजूद हम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस्लाम नहीं है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी हम इंटरनेशनल लेवल पे मेरे ख्याल में हम प्रेजेंट कर रहे हैं
मैं अल्फाज मेरे दिल में बहुत सख्त हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम तकलीफ दूं। कि इतने लेवल पे इस्लाम की तजलील जो है आप हम सब मुसलमान ही करवा रहे हैं, कोई और नहीं करवा रहा। तो इसलिए खुदा के लिए इसको चेंज करें। कुरान करीम साइंस की किताब अल्लाह सुब्हान व तआला भेज सकते थे, अल्लाह ताला ने अखलाक की किताब भेजी, हिदायत नामा भेजा। ये साइंस ऑटोमेटिकली आएगी, आपको इल्म ऑटोमेटिकली आएगा। तो लेकिन हम सब के ऊपर, स्पेशली ये पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे पुराना इदारा, फिर उस इदारे के अंदर इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामिक इंस्टीट्यूट के अंदर वो लोग आज असेंबल हैं इस हाल में, जो मैं समझता हूं मेरे दीन को रिप्रेजेंट करते। हमारे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी, हमें हर लिहाज से एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा। तो यकीनी तौर पर मैं एक ले मैन हूं, मैं आलम दीन नहीं हूं। मेरे जो स्टेज पर बैठे हुए हजरात हैं, मैं उनकी कदर करता हूं। और हकीकत यह है, मैं आपको पहले भी कहता हूं, आप लोगों से मैं डरता भी हूं। डरता इसलिए आज से हूं कि अल्लाह सुबहान व तआला के नजदीक आप कितने क्लोज, मैं इसलिए डरता हूं। तो लेकिन हमें, हमारा ये फर्ज बनता है, बच्चियों का भी और मेल का, हमें इस चीज को पहचानना चाहिए कि हम किन को रिप्रेजेंट कर। तो इंशाल्लाह हम इस स्पिरिट के साथ आपकी जो आज का जो मौजू है, और फिर कुरान करीम, मैं अपने फाजलीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इस इस्लामिक सेंटर में ये मजलिस का इनकार किया। मेरे डीन साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। और ये जो मैंने गुफ्तगू की है, अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत